मारी, आज मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हूं। महादेव कौन है? महादेव वो है जो नहीं है, और जो नहीं है वो महादेव। मैं समझी नहीं। महादेव को समझने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें त्रिदेवों को समझना होगा। त्रिदेव? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश अर्थात महादेव। ब्रह्मा? ब्रह्मा कौन है? संसार की रचयिता। विष्णु? संसार के संचालन करता। और महादेव? संसार के संहार करता। जो विनाश करके संसार को संतुलित रखते हैं। महादेव का जन्म कब हुआ? वो अजन्म में है कुमारी। उनका ना आदि है और ना अंत है। वो विद्याओं के तीर्थ हैं, अविनाशी हैं, विश्वनाथ हैं। कालोपरी, पंच महाभूतों के नाथ, भूतनाथ हैं वो। कहाँ रहते हैं? कैलाशपति, किंतु सारा संसार उनका निवास स्थान। सर्वव्यापी हैं वो और सभी कारणों के प्रमुख कारण। महायोगी, वैरागी। अर्थात उनका परिवार नहीं है? क्यों नहीं? परिवार है तो फिर वो वैरागी कैसे? क्योंकि वो परमानंद की स्थिति में रहते हैं सदा। और उनकी इसी परमानंद की अनुभूति समस्त संसार के लिए भी आवश्यक थी। और इस परमानंद को संसार में प्रसारित करने के लिए शिव और शक्ति का मिलन आवश्यक था। महादेव का सती से विवाह हुआ। सती का शक्तिपीठ से क्या संबंध है? शक्तिपीठ का स्पर्श करके क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई सती को पुकार रहा हो?
सती का शक्ति पीठ से कोई संबंध नहीं, अपितु शक्ति पीठ ही सती है। पृथ्वी की जननी सती का शरीर जब तक पृथ्वी में समाहित नहीं होता तब तक सती के प्रति शिव की अनुरक्ति का अंत नहीं होगा। सती के शरीर को काटने का कार्य मेरा ही सुदर्शन चक्र करेगा। इस शक्तिपीठ की रक्षा का संपूर्ण दायित्व तो तुम्हारा है। इस महाद्वीप पे जहां जहां शक्तिपीठ की स्थापना होगी वहां मेरा एक भैरव रक्षक के रूप में विद्यमान रहेगा। तो उस दिन वो असुर शक्तिपीठ के पास उन्हें देखकर भागे थे। इसलिए मुझे अनुभूति हुई क्योंकि वो महादेव के ही एक रूप है। यदि शिव सती के मिलन का उद्देश्य परम आनंद प्रसारित करना था तो सती के मृत्यु के पश्चात वो उद्देश्य पूर्ण हुआ। आदिशक्ति का पुनर्जन्म हुआ देवी पार्वती के रूप में। संपूर्ण जगत आपकी पुत्री को पार्वती के नाम से जानेगा। पार्वती, ये नाम मुझे पहचाना सा लगता है। देवी पार्वती की ये यात्रा अत्यंत कठिन थी क्योंकि उन्हें महादेव को साधना से बाहर निकालना था। हम आपके सम्मुख है स्वामी, आपकी अर्धांगिनी। अब तो नेत्र खोलिए महादेव, अब हम नवीन मर्यादा के साथ अपने पत्नी धर्म का पालन करने हेतु आपको पुनः समर्पित है। नेत्र खोलिए ना स्वामी। जब महादेव ने नेत्र नहीं खोले तो देवी पार्वती वर्षों तक महादेव की साधना में लीन हो गए। तो क्या महादेव साधना से बाहर निकले? हाँ कुमारी, पार्वती स्वामी, मैंने तुमको प्रतिशरत रखते हुए स्वयं को तुम्हारे मिलन से वंचित रखा, किंतु तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने के पश्चात इसी क्षण में तुम्हें स्वीकार करता हूं। और फिर महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। और उनका परिवार कैलाश पर उनके महान भक्त नंदी, गण प्रेत और परिवार सहित दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश। समय के इस अनंत घटना चक्र में शिव और शक्ति सदैव साथ रहेंगे। उन्हें साथ आना ही होगा। और कोई प्रश्न? वो दिखते कैसे? निराकार है वो, निर्गुण है वो, गंगाधर है वो। चंद्रशेखर भी वही, त्रिलोचन है वो, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव।
राज भी वही है। कर्पूर के समान गौर वर्ण है उनका, नील कंठ है वो, सर्प उनका कंठ हार। नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ते, रुद्राक्ष उनके आभूषण। हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, नेत्रों में परमानंद और मुख पर भोलापन। सुंदरता की परिभाषा है वो और आकर्षण की पराकाष्ठा। जीव है वो, ब्रह्म है वो, संपूर्ण जगत निरंजन है वो, विकराल काल है वो, वो ही एक लघु पल है, वो ही अमर है, और प्रत्येक मृत्यु में वो ही मरते भी हैं। महापर्वत है वो और सूक्ष्म तृण भी वही है। पृथ्वी वो है, आकाश वो है, बंधन है वो और मुक्ति भी वही है। काल कूट विष और अमृत भी वही है। ज्ञान भी है और अज्ञान भी, प्रकाश अंधकार है। दुविधा है वो और निर्णय भी वही है। शांति भी वो है और समस्त अशांति भी वो है। वही ब्रह्मा है और वही नारायण, वही है देवों के देव महादेव।